लिखूं, मैं बैठ लिखूं, तू आ बैठे। वेलकम बैक डियर सब्सक्राइबर्स। तो कैसे हो आप लोग? तो आज की इस वीडियो पर मैं आपको बताने वाला हूं कैसे आप VN ऐप में न्यू ट्रेंडिंग कलरफुल लिरिक्स वीडियो एडिटिंग कर सकते हो। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो कलरफुल लिरिक्स वीडियो एडिटिंग हम करने वाले हैं VN एप्लीकेशन में। तो सबसे पहले आपको अपने VN ऐप को ओपन कर लेना है, एंड अगर आपके पास VN ऐप नहीं है देन इसे आप गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेना। ये बिल्कुल फ्री वीडियो एडिटिंग ऐप है। उसके बाद आप इसे ओपन करना, कुछ इस तरह का यहाँ इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। नाउ अब आपको यहाँ एक प्लस का बटन दिख रहा है, इसके ऊपर क्लिक करके न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर आप क्लिक करना, ओके? और आप यहाँ पे डायरेक्टली ये जो स्टॉक्स वाला ऑप्शन दिख रहा है ना, आप इसके ऊपर क्लिक करके ब्लैक इमेज को यहाँ पे देखिए इस तरीके से सेलेक्ट कर लेना, ठीक है? उसके बाद यहाँ नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना, तो आपका जो ब्लैक इमेज होगा मतलब ब्लैक बैकग्राउंड होगा वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ओके? अब सबसे पहले आप यहाँ ओरिजिनल के ऊपर क्लिक करो और 16:9 को यहाँ सेलेक्ट करो, या फिर जिस भी रेशियो में आप लिरिक्स वीडियो बनाना चाहोगे उस रेशियो को सेलेक्ट कर लेना। देन ब्लैक इमेज के ऊपर क्लिक करके इसका ड्यूरेशन आपको इंक्रीज कर देना है, ठीक है? तो जितना आप बनाना चाहोगे लिरिक्स वीडियो, जैसे कि मैं इसे 10 सेकेंड के आसपास इंक्रीज कर दे रहा हूँ, ओके? इस तरीके से, तो इस तरीके से इंक्रीज कर देना। नाउ अब आपको यहाँ पे म्यूजिक को ऐड करना है, क्योंकि वही म्यूजिक का हम सारा लिरिक्स वगैरह लिखने वाले हैं, ठीक है? तो म्यूजिक ऐड करने के लिए म्यूजिक वाले ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है, फिर यहाँ म्यूजिक के ऊपर क्लिक करके माय म्यूजिक वाले सेक्शन में आके यहाँ आपको म्यूजिक लाइब्रेरी में एंटर हो जाना है, ठीक है? तो जैसे ही आप म्यूजिक लाइब्रेरी में एंटर होंगे, आपके डिवाइस में जितने भी म्यूजिक होंगे वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे। अब जिसे आप यूज करना चाहोगे उसे सेलेक्ट करना, जैसे कि मैं ये वाला जो म्यूजिक है इसको यूज करने वाला हूँ, ठीक है? तो इसे सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पे डन कर लेना है, ठीक है? तो आपका जो भी म्यूजिक है वो ऐड हो जाएगा। नाउ अब यहाँ पे इसे प्ले करना है, एंड प्ले करके आपको यहाँ पे अपने म्यूजिक के लिरिक्स को सुन लेना है, और सुनने के बाद आप यहाँ पे बिल्कुल स्टार्टिंग में देखिए यहाँ पे आ जाना, फिर ये जो आपको यहाँ पे देखिए टी के जैसा ऑप्शन दिख रहा है ना, आपको इसके ऊपर क्लिक करके फिर यहाँ पे आपको एक ऐड हेडिंग का ऑप्शन दिखेगा, ठीक है? तो इसे आपको सेलेक्ट कर लेना है, ओके? इसे सेलेक्ट करने के बाद जो भी लिरिक्स आपका होगा, जो भी स्टार्टिंग लाइन होगी, वो आप यहाँ पे लिख देना। तो जैसे कि हमारा लिरिक्स है, मैं आ लिखूं तू आजा, कुछ इस तरीके का। तो देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया, फिर उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए FF के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है? तो टाइप कर लो, उसके बाद FF के ऊपर क्लिक करना। FF बेसिकली आप यहाँ पे फॉन्ट मतलब कि डिज़ाइन को सेलेक्ट कर सकते हो फॉन्ट के। तो यहाँ पे काफ़ी सारे देखिए आपको VN में ऐप में ही आपको डिज़ाइन मिल जाते हैं, तो जो कि पहले से ही इसमें रहते हैं, ठीक है? तो जैसे आप VN को इंस्टॉल करोगे तो इसमें ऑटोमेटिकली यहाँ पे रहते हैं, ठीक है? तो मैं आपको कुछ दिखाता हूँ, आप ये देख सकते हो कुछ इस तरीके के, ठीक है? तो ये सब VN ऐप में आपको मिल जाते हैं, तो ये सब आपको बाहर से ऐड नहीं करना पड़ेगा। तो देख पा रहे हो काफ़ी सारे हैं, ठीक है? तो इनमें से अगर आपको कोई पसंद आता है देन आप इसे यूज़ कर सकते हो, बट मेरे पास कुछ दूसरे फॉन्ट हैं, मेरे पास कुछ फॉन्ट हैं जो कि काफ़ी अच्छे वाले हैं। लाइक देखिए ये वाला आप देखो काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में, ठीक है? तो अगर आप भी इस टाइप के फॉन्ट को यूज़ करके अपना लिरिक्स वीडियो बनाना चाहते हो, जो कि अगर आप बनाओगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा, तो आपको यहाँ पे VN ऐप में फॉन्ट ऐड करना पड़ेगा। तो ये पहले से नहीं रहता है, ओके? और तो अब चलिए जानते हैं कैसे ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए आपको यहाँ ऊपर में एक ऐड फॉन्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा, ये वाला, ठीक है? तो इसकी मदद से आप यहाँ पे फॉन्ट को ऐड कर सकते हो, लेकिन फॉन्ट को ऐड करने के लिए आपके पास फॉन्ट होना भी तो चाहिए, ठीक है? तो इस टाइप के मैंने काफ़ी सारे फॉन्ट का लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहां से जाके इस टाइप के काफ़ी सारे फॉन्ट को जस्ट सेव कर सकते हो, यानी कि डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है? तो उस फॉन्ट को ऐड करने के लिए जस्ट यहां पे ऐड फॉन्ट के ऊपर क्लिक करना, फिर यहां पे इम्पोर्ट फ्रॉम फाइल ऐप के ऊपर क्लिक करना,
तो आपका जो फाइल मैनेजर होगा वो ओपन हो जाएगा। ओके, देन यहाँ पे आप देखिए थ्री लाइंस के ऊपर आपको ऊपर में क्लिक करना है और जस्ट आपको उसके बाद डाउनलोड वाले सेक्शन में आ जाना है, क्योंकि जब आपने डाउनलोड किया है ना तो ऑब्वियस सी बात है वो सारे फॉन्ट डाउनलोड वाले फोल्डर में ही होंगे। ओके, तो आप इस फोल्डर में आना, देन ये सारे फॉन्ट देखिए आपको यहाँ पे मिलेंगे। अब देखिए इनमें से किसी एक को आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि मैंने बोला था कि इसमें काफ़ी सारे देखिए फॉन्ट हैं तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो। ओके, तो इनमें से मैं यहाँ पे जस्ट इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, तो जैसे मैंने इसे देखिए सेलेक्ट किया तो आप यहाँ देख पाओगे थोड़ा सा नीचे जाने के बाद यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे एक सेक्शन मिल जाएगा माई फॉन्ट का, और वहाँ पे ये वाला फॉन्ट देखिए ऐड हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से ऐड कर लेना, फिर जो फॉन्ट सही लगे उसे सेलेक्ट करके डन कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे ये फॉन्ट वाला काम यहाँ पे हो गया। ओके, अब इसमें हमें जस्ट एनिमेशन ऐड करना होगा, तो बट एनिमेशन ऐड करने से पहले जस्ट इसे चेक कर लेना कि कितना दूर तक ये रहना चाहिए। लाइक यहाँ पे ये देखिए बोल रहे हैं मैं आ लिखूं। ओके, तो ये हमारा देखिए इतना दूर तक है। ओके, तो इतनी ही दूर तक इसे रखेंगे। ओके, तो इसे कर देना। अब इसमें एनिमेशन ऐड करने के लिए यहाँ पे एक मोशन का ऑप्शन दिखेगा, तो आप इसके ऊपर क्लिक करना। यहाँ आप क्लिक करोगे तो काफ़ी सारे यहाँ पे एनिमेशन मिलते हैं, जैसे कि इस टाइप का स्केल, स्पिन, स्लाइड, रिवील, काफ़ी सारे हैं। ठीक है, तो इनमें से जो सही लगे आप उसे यूज़ कर सकते हो। मैं आपको यहाँ पे एक काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन बताता हूँ। आप ये स्लाइड को यूज़ करना, बट आप स्लाइड को एक बार और क्लिक करना, और क्लिक करोगे तो नीचे से ये ऊपर जाएगा, तो ये वाले एनिमेशन को रखना। ठीक है, मतलब इसके ऊपर क्लिक करते हो ना तो ये स्लाइड वाला एनिमेशन भी चेंज होता है, डायरेक्शन चेंज होता रहता है, तो नीचे से जब ये ऊपर जाएगा ना तब आप इसे रखना। ओके, फिर यहाँ पे देखिए आउट एनिमेशन में जाना एंड इसी स्लाइड को यहाँ पे चूज कर लेना, बट ये देखिए ऊपर से नीचे आना चाहिए, तो आप यहाँ देख पाओगे कुछ ऐसा एनिमेशन यहाँ बन जाता है जिसमें से सबसे पहले ये नीचे से ऊपर जाता है, फिर यहाँ ऊपर से नीचे आता है। ठीक है, तो ये काफ़ी सही लगता है। अब इसे और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए आपको जस्ट ये जो आपका फॉन्ट है या फिर ये जो टेक्स्ट है, लिरिक्स है, इसके ऊपर क्लिक करो। ओके, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो जहाँ आपका ये एनिमेशन आ चुका है, लाइक ये नीचे से ये ऊपर इतनी दूर में ये आ गया है। ठीक है, तो आप यहाँ पर आना, इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करना, थोड़ा सा पहले भी आप आ सकते हो। फिर यहाँ एक यहाँ पे की फ्रेम का आपको ऑप्शन दिखेगा, तो आप इसे इनेबल कर देना। ठीक है, देन उसके बाद जब आपका ये डाउन होने लगेगा, लाइक एनिमेशन स्टार्ट होने लगेगा, तो यहाँ पे जाना और की फ्रेम को लगाना और इसे जस्ट आप इस तरीके से टिल्ट कर देना, तो कोई भी एक एंगल में। ठीक है, मतलब कि जब आपका स्टार्टिंग में एनिमेशन यहाँ पे ख़त्म हो जाता है तब एक की फ्रेम लगाना है, और यहाँ पे जब एंडिंग का एनिमेशन आने लगे आपका, मतलब नीचे जाने वाला, तब एक की फ्रेम लगाना है। ओके, और इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, ये जो सेकंड वाला की फ्रेम रहेगा उसमें एंगल चेंज कर देना। ठीक है, देन आप यहाँ पर देखिए देख पाओगे कुछ इस तरीके का यहाँ पर एनिमेशन आपका बन जाएगा, जो कि काफ़ी कमाल का लग रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये बन गया। अब ये बन गया ना तो ये आपका काम मतलब काफ़ी आसान हो गया, क्योंकि यहाँ पे आपका सारा चीज़ हो गया है, बस आप इसके ऊपर क्लिक करो, देन इसे अब डुप्लीकेट करो। तो डुप्लीकेट यहाँ पे देखिए हो गया। अब इसे पकड़ के आप आगे लेके आ जाना, फिर जो आपका देखिए यहाँ पे नेक्स्ट लिरिक्स होगा उसे आप यहाँ लिख देना, तो उसमें सारा फॉन्ट वगैरह, डिज़ाइन वगैरह सारा दिया हुआ है। अब आपको सिर्फ यहाँ पे एडिट के ऊपर जाना है और इस वाले आपको टेक्स्ट को यहाँ से हटाना है। ठीक है, और जो नेक्स्ट लाइन होगी आपके लिरिक्स की उसे आपको यहाँ पे लिख देना है, तो मैं ये कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो लिखने के बाद जस्ट आपको यहाँ पे डन कर देना है। ओके, तो जैसे ही आप यहाँ पे डन करोगे तो एक यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिकली की फ्रेम ऐड हो जाएगा, तो जिसका कोई काम नहीं है तो उसे आप यहाँ की फ्रेम के ऊपर क्लिक करके आप यहाँ पे देखिए इसे हटा देना। ठीक है, तो आप यहां पे देख पाओगे फिर से इसमें जस्ट ये एनिमेशन यहां बन गया। ठीक है, तो इसी टाइप का और हां, अगर इसका ड्यूरेशन थोड़ा ज्यादा हो
या कम हो तो यहाँ आप अरेंज कर लेना। जैसे कि ये थोड़ा देखिए कम होना चाहिए, तो यहाँ तक इसको देखिए रख लेते हैं। और अगर आपका जैसे कि मान लो इसका ड्यूरेशन आप कम किए और कम करने के बाद ये की फ्रेम देखिए यहाँ से गायब हो गया, ठीक है, तो इस सिचुएशन में आपको यहाँ पे एक की फ्रेम फिर से ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ तक देखिए यहाँ रख लेते हैं और इसमें हमारा फिर से की फ्रेम देखिए गायब हो गया है। सो यहाँ पे देखिए फिर से हमें इसमें की फ्रेम ऐड करना पड़ेगा। तो आपको पता ही है कैसे ऐड करना है, जहाँ से ये देखिए एनिमेशन नीचे आने लगता है वहाँ जाना है, फिर की फ्रेम के ऊपर क्लिक करना है एंड इसे आपको एक एंगल में जस्ट इस तरीके से टिल्ट कर देना है, ठीक है। और फिर आप यहाँ पे देख पाओगे कुछ इस तरीके का देखिए ये एनिमेशन बना और सेकंड वाला हमारा कुछ ऐसा बना, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए यहाँ कर सकते हो। फिर इसके ऊपर क्लिक करके और नेक्स्ट लाइन लिखने के लिए डुप्लीकेट करना, फिर आगे यहाँ पे देखिए लेके आ जाना, फिर एडिट के ऊपर देखिए यहाँ पे इस तरीके से जाना एंड यहाँ पे इसे इरेज करके नेक्स्ट लाइन लिख देना, फिर डन कर देना, ठीक है। तो इस तरीके से करके आप यहाँ पे पूरा बना लेना। तो इसका ड्यूरेशन थोड़ा ज़्यादा रहना चाहिए इस वाले का, सो आगे तक हम इसे लेके आ जाते हैं तो इतना दूर तक। एंड इसमें जो है हमारा जो डाउन जाने वाला एनिमेशन है वो यहाँ से है, ठीक है। तो यहाँ एक देखिए की फ्रेम ऐड करेंगे और ये जो बाकी वाले हैं इन सभी की फ्रेम को देखिए यहाँ पे हटा देंगे, ठीक है। और इसका देखिए एंगल इस बार इधर से रखते हैं, ठीक है। तो पहले वाला देखिए जो है उससे यहाँ पे उल्टा रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ये देख सकते हो कुछ ऐसा हो गया, ठीक है। फिर ये वाला देखिए कुछ ऐसा और फिर उसके बाद ये वाला देखिए कुछ ऐसा, ओके। तो इस तरीके से पूरा आप लिख लेना, मैंने यहाँ पे देखिए आपको तीन लिख के दिखा दिया है। अब इतना हो जाने के बाद आपको जस्ट यहाँ पे एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है, एंड इसे आपको यहाँ पे एक्सपोर्ट कर लेना है। तो जैसे ही आप एक्सपोर्ट कर लोगे उसके बाद इसमें वो जो कलरफुल हमने ऐड किया था, मतलब आपने जो देखा था प्रीव्यू में, तो इसका बैकग्राउंड थोड़ा यहाँ पे देखिए रे इफेक्ट था, रे इफेक्ट कलर वगैरह था, तो वो भी हम VN में ही करेंगे, कोई दूसरी ऐप की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप यहाँ पे देखिए इसको जस्ट डन करो एंड यहाँ पे देखिए फिर से प्लस के ऊपर आप क्लिक करके न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर आप आ जाओ और यहाँ पे अभी जो एक्सपोर्ट हुआ है उस वाले वीडियो को आप सेलेक्ट कर लेना, फिर उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना, तो ये यहाँ पे देखिए ऐड हो जाएगा। तो आप यहाँ देख पाओगे इसमें कुछ भी नहीं है, मतलब नॉर्मल सा है, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे एक कलरफुल इमेज को ऐड करना है जिसका लिंक मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से सेव कर सकते हो। तो उसे ऐड करने के लिए आपको जस्ट यहाँ पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पे देखिए वीडियो एंड फोटो के ऊपर क्लिक करके इमेज के ऊपर आपको जाना है, मतलब फोटो वाले सेक्शन के ऊपर, ठीक है। और यहाँ पे मैंने इन दोनों का देखिए इन दोनों का लिंक मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, तो दोनों में से किसी को आप सेलेक्ट करना, फिर यहाँ पे आप अच्छे से देखिए इसे इस तरीके से आप यहाँ पे इसके साइज को इनक्रीज कर देना, ठीक है। उसके बाद यहाँ नीचे में आप स्क्रॉल करना, एक आपको ब्लेंडिंग का ऑप्शन दिखेगा, तो इसके ऊपर जाके जस्ट यहाँ पे मल्टीप्लाई को सेलेक्ट करना, ठीक है। तो कलर देखिए यहाँ पे इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे डन करके इसका यहाँ पे देखिए ड्यूरेशन आपको पूरा यहाँ लास्ट तक कर देना है, ओके। तो इतना करने के बाद अब आपको यहाँ पे फिर से इसी ऑप्शन के ऊपर PIP के ऊपर क्लिक करना है, फिर वीडियो एंड फोटो के ऊपर क्लिक करके जस्ट वीडियो वाले सेक्शन में आ जाना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको अगेन अपने लिरिक्स वीडियो को सेलेक्ट करना है, तो आपका लिरिक्स वीडियो यहाँ पे ऐड हो जाए। अब इसे आपको पूरा स्क्रीन में रखना होगा, तो नीचे में जब आप यहाँ देखिए स्क्रॉल करोगे तो एक फिट एंड फिल दोनों ऑप्शन मिलेंगे, तो दोनों ऑप्शन में से किसी को भी सेलेक्ट करना, ये अच्छे से यहाँ एडजस्ट हो जाएगा। फिर नीचे में आप यहाँ ब्लेंडिंग के ऊपर जाके और जस्ट स्क्रीन को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना, देन यहाँ पे देखिए डन करोगे तो आप यहाँ देख पाओगे जस्ट यहाँ पे ये स्क्रीन सेलेक्ट हो गया, ठीक है। तो इतना कर लेने के बाद अब आप यहाँ देखोगे कि आपका ये ऊपर में देखिए यहाँ पे नॉर्मल वाला है
और नीचे में ये कलरफुल वाला है, ठीक है। तो ये जो नीचे वाला है ना, ये नीचे वाला आप इसके ऊपर यहाँ क्लिक करो, मैं वीडियो के ऊपर देखिए क्लिक करो, मतलब मेन वीडियो के ऊपर, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए ध्यान देना, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आपको ये जो मेन वीडियो दिख रहा है ना, आप इसके ऊपर क्लिक करो, तो इसके ऊपर क्लिक करोगे तो नीचे में काफ़ी सारे यहाँ ऑप्शन दिखेंगे। थोड़ा आप यहाँ स्क्रॉल करना, आपको यहाँ एक ब्लर का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। तो आप इसके ऊपर जाके एंड यहाँ पे ये जो आपको देखिए यहाँ पे रेडियो एक्टिव दिख रहा है, तो इसे आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो इसे सेलेक्ट करके यहाँ पे देखिए इसकी यहाँ पे इंक्रीज करोगे इंटेंसिटी को, एंड आप यहाँ इसे डन कर लेना है, ठीक है। फिर ये वाला जो है इसे सही से आप यहाँ अरेंज कर दो, ठीक है। देन आप यहाँ देख पाओगे ये जो एनिमेशन है वो हमारा बन गया। तो देख पा रहे हो बिल्कुल परफेक्टली यहाँ पे बन गया है। तो यहाँ पे ये हमारा गड़बड़ हो गया क्या, इसे देखिए यहाँ पे फिट या फिल कर लेते हैं तो सही हो जाएगा। एंड आप देख सकते हो पूरा परफेक्ट यहाँ हमारा जो एनिमेशन है वो बन गया है, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा था कि ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, अगर यहाँ आपने थोड़ा सा मिस्टेक किया तो दिक्कत हो सकती है। अब इसे अपने डिवाइस में सेव करने के लिए एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करना है, और उसके बाद ऑटो से आपको मैनुअल में आ जाना है। एंड 4K सपोर्ट करता है आपके डिवाइस में, तो 4K सेलेक्ट करना, और नहीं सपोर्ट करे तो 1080 को ही सेलेक्ट करो, बस बिट रेट को आप बढ़ा देना। उसके बाद एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक कर दो, आपका वीडियो यहाँ पे देखिए सेव हो जाएगा बिल्कुल हाई क्वालिटी में, ओके। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आ चुकी हैं। सो इस वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहो और खुशियाँ बांटते रहो।